हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक एंड लिंक। और हम देखेंगे सेकंड पार्ट, डिटरमिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड डिटरमिनेशन ऑफ यूनिट वेट। तो इस फोर्थ लेक्चर में हम लोग जो है सिर्फ वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे, और आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 5, उसमें हम लोग देखेंगे यूनिट वेट। तो वाटर कंटेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। वाटर कंटेंट होता है आपका वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है। इसको हम परसेंटेज में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो इसको फाइंड आउट करने के मेथड्स हैं, मेथड फॉर डिटरमाइनिंग वाटर कंटेंट, इसके 7 मेथड है। सबसे पहले आपका ओवन ड्राइंग मेथड, सैंड बाथ मेथड, अल्कोहल मेथड, पिकनोमीटर मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड, रेडिएशन मेथड एंड टॉर्शनल बैलेंस मेथड। तो हालांकि इतने सारे मेथड है, इनमें से आपका ओवन ड्राइंग मेथड काफ़ी ईजी है, जो आप जो है अगर आप एकेडमिक में है या लैब में है वहाँ पर ओवन ड्राइंग मेथड काफ़ी होता है। और दूसरा जो काफ़ी फेमस है वो आपका पिकनोमीटर मेथड। वैसे दो ही आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर फिर भी मैं आपको सारे वन बाय वन हल्का हल्का एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहला आता है आपका ओवन ड्राइंग मेथड। ओवन ड्राइंग मेथड जो है आपका ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड यूज फॉर डिटरमिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट इन लेबोरेटरी, ठीक है। और इसका जो प्रोसीजर है, दिस मेथड कंप्राइज ऑफ प्लेसिंग ऑफ मॉइस्ट सॉइल सैंपल ऑफ सॉइल इन एन एम्प्टी वाटर कंटेनर ऑफ अननोन वेट W1। तो सपोज करो ये आपके सामने कंटेनर है, इसका वेट है एम्प्टी वेट है इसका W1, ठीक है। मैंने इसमें फिर मॉइस्ट सैंपल लिया, ठीक है। आपका सॉइल जो है वो ड्राई नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ड्राई सॉइल में तो वाटर कंटेंट होता नहीं है। तो यहाँ हम कम्प्लीटली मॉइस्ट सॉइल लेंगे। कंटेनर विद मॉइस्ट सैंपल इज बींग वेट W2 एंड प्लेस इन टेम्परेचर कंट्रोल ओवन फॉर ड्राइंग। फिर आपने क्या किया, इस कंटेनर में जो आपकी मॉइस्ट सॉइल थी इसका वेट किया, वेट करने के बाद आपने इसको ओवन में रखा। तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहली बात, आपका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए फॉर इनऑर्गेनिक सॉइल। टाइम जो है वो आपका 4 आवर्स फॉर सैंडी सॉइल एंड 12 to 16 आवर्स फॉर सिल्ट एंड क्ले। दूसरी चीज, आपका टेम्परेचर होना चाहिए 60 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आप लोग ऑर्गेनिक सॉइल यूज कर रहे हैं। फॉर सॉइल हैविंग हाई जिप्सम, जिप्सम आप पता है CSO4.2H2O, ठीक है। अगर आपके सॉइल में जिप्सम है उस वक्त आपका जो टेम्परेचर है वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, क्योंकि अगर आप 80 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ले जाएंगे तो इसमें जो वाटर के क्रिस्टल है वो ब्रेक कर जाएंगे। टू अवॉइड द लॉस ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन इन केस ऑफ जिप्सम द टेम्परेचर शुड बी 80 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस टाइप का क्वेश्चन आपको काफ़ी जो है SSC JEE के एग्जामिनेशन में, या आपको एक तरीके से कह दिए IES का जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप वाला क्वेश्चन पेपर होता है, तो वहाँ पे भी इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि अगर आपके सॉइल में जिप्सम है तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए, सिल्ट या सैंड है तो उनको कितना आर्स तक आपको ओवन में रखना है। अब आप इस कंटेनर को ओवन में से बाहर निकालेंगे। आफ्टर रिमूविंग द कंटेनर फ्रॉम द ओवन, वेट हमने उसका दोबारा वेट किया, हमने कहा उसका वेट आया W3। अब ये जो आप यहाँ पे ओवन देख रहे हैं, इसमें जो हमारा सॉइल है ये W3 वेट का, यहाँ पे टोटल सॉइल आपका क्या हो गया, ड्राई हो गया। तो यहाँ मैं आप पूरे को एक साथ समराइज करके आपको बताऊँ। आपका कंटेनर था, आपने उसका वेट लिया W1, ठीक है। आपने फिर उसमें मॉइस्ट सॉइल सैंपल लिया, उसका वेट आया आपका W2। फिर आपने क्या किया, उसको 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रखा, और फिर हम लोगों ने उसको ओवन से निकाला, उसका वेट देखा हमने W3, जो हमारा ड्राई सॉइल सैंपल आया, ठीक है। अब हमारा फाइनली वाटर कंटेंट क्या होगा, देखो वाटर कंटेंट का फॉर्मूला आपका वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। अब वेट ऑफ वाटर क्या होगा, कम्प्लीटली जो आपका वेट था W2, उसके अंदर आपका कंटेनर का वेट है, सॉइल सॉलिड का वेट है और वाटर का वेट है। जब हम इसको ओवन से निकाल के लाए तो अब हमारे पास क्या रह गया, कंटेनर का वेट और सॉलिड का वेट। वाटर तो आपका ओवन से वो बाहर हो गया, निकल गया। तो यहाँ जो हमारा वेट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका W2 - W3। दूसरी चीज़ आपको निकालना वेट ऑफ सॉलिड। अब जो आपका W3 है, यहाँ पर हमारे दो ही चीज़ बताएगा, तो ये जो आपका W3 है इसमें क्या आपका कंटेनर का वेट और सॉलिड का वेट। तो अगर मैं इसमें से W1 कंटेनर के वेट को माइनस कर दूंगा तो हमारा वेट ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, W3 - W1। तो हमको वेट ऑफ वाटर भी मिल गया, वेट ऑफ सॉलिड भी मिल गया। तो आपका वाटर कंटेंट क्या हो जाएगा, W2 - W3 / W3 - W1, ठीक है। तो ये आपका ओवन ड्राइंग मेथड है, और इसमें यही मेथड बहुत बार आप क्वेश्चन में देखेंगे कि हम लोगों ने जो है कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, अगर हमको वाटर कंटेंट उसमें बीच में ज़रूरत पड़ा तो हमने उसका एक मॉइस्ट सैंपल लिया, उसको ओवन में रखा और उससे हमने उसका ड्राई यूनिट वेट फाइंड आउट किया और फिर जो है वाटर कंटेंट निकाल लिया। नेक्स्ट है आपका सैंड बाथ मेथड। इट इज़ अ क्विक फील मेथड दैट इज जनरली यूज व्हेन फैसिलिटी ऑफ ओवन इज नॉट अवेलेबल। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो उस केस में हम लोग इसको यूज करते हैं।
इसमें हम लोग क्या करते हैं, कंटेनर इज प्लेस ओवर अ सैंड बार एंड हीटेड ऑन अ स्टोव। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एक स्टोव है, इसके ऊपर ये सैंड बार है। अब सैंड बार के ऊपर हम लोग जो है सॉइल को रखते हैं। अब इस बाकी जो पूरा प्रोसेस है यहाँ पर वेट फाइंड आउट करने का, कंटेनर का वेट लेने का, वो बिल्कुल ओवन ड्राइंग मेथड की तरह है। तो यहाँ पे जो हमारा वाटर कंटेंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला वही रहेगा जो हम लोगों ने ओवन ड्राइंग मेथड में पढ़ा, W2 - W3 / W3 - W1। सारा प्रोसेस वैसे ही है जैसे मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में कि जनरली यूज व्हेन फैसिलिटी ऑफ ओवन इज नॉट अवेलेबल। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसके लिए, इट इज नॉट यूज फॉर ऑर्गेनिक सॉयल एंड सॉयल विच कंटेन हाई परसेंट ऑफ जिप्सम। इसके पीछे रीजन ये है, ऑर्गेनिक सॉयल और जिप्सम के केस में हम लोग जो है टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे है देयर इज नो कंट्रोल ओवर टेम्परेचर। तो जब टेम्परेचर के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा तो हम लोग ऑर्गेनिक सॉयल या हाई जिप्सम वाले सॉयल के केस में इस मेथड को यूज नहीं करेंगे। तो इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो यही है कि नो कंट्रोल ओवर टेम्परेचर, दूसरा इट्स गिव अप्रोक्सीमेट रिजल्ट एंड जनरली नॉट प्रेफर्ड। नेक्स्ट आपका अल्कोहल मेथड, ये ऑलमोस्ट आप ऐसे मान लीजिए अब तक हम लोगों ने दोनों मेथड पढ़े हैं, प्रोसीजर ऑलमोस्ट उसी की तरह रहता है। इन दिस मेथड मिथाइलेटेड स्प्रिट अल्कोहल इज एडेड इन सॉयल सैंपल इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन ड्यूरिंग ड्राइंग। तो देखो जैसे आपका ओवन है तो उस केस में तो हम लोग ओवन में रख देते हैं, लेकिन अगर आपका ओपन में जैसे आपका सैंड बाथ मेथड था, अगर हम लोग इस सॉयल का जो हमने सैंपल लिया उसमें मिथाइलेटेड स्प्रिट ऐड कर देते हैं तो जो हमारा एक तरीके से वाटर का एवोपरेशन होने का जो रेट है वो तेज हो जाएगा, यानी कि वाटर तेजी से निकल जाएगा। इसमें जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, द मिक्सचर इज इग्नाइटेड एंड स्टिर वेल बाय अ वायर ड्यूरिंग इग्निशन। इग्नाइटेड मतलब ये है, सपोज ये कर आपका एवोपरेटिंग डिश है, इसके अंदर हमने मॉइस्ट सॉइल सैंपल लिया, फिर मैंने इसमें मिथाइलेटेड स्प्रिट ऐड कर दिया, तो उसके बाद मैं इसको इग्नाइटर से यहाँ से नीचे से आप लोग इसको जो इग्नाइट करेंगे। बाकी जो प्रोसेस रहेगा आपका वो जैसे मैंने आपको अभी प्रीवियस दो एक्सपेरिमेंट में बताया वैसे ही रहेगा। आपका जो वाटर कंटेंट का फॉर्मूला रहेगा वो यही रहेगा, W2 - W3 / W3 - W1 × 100। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट वही है, W1 आपका क्या है वेट ऑफ एम्प्टी डिश, W2 आपका वही रहेगा वेट ऑफ डिश प्लस वेट सॉयल। फिर उसके बाद आपने इसको इग्नाइट किया, फिर उसके बाद आपने दोबारा से इसका वेट लिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका वेट ऑफ डिश प्लस ड्राई सॉयल W3। तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सैंड बाथ मेथड के कंपेयर में यहाँ पे हम लोग मिथाइलेटेड स्प्रिट ऐड करते हैं, उससे एक तरीके से इवेपोरेशन बहुत तेजी से हो जाता है। तो एटलीस्ट हमारे पास ये हो जाएगा कि हाँ हमने कम टाइम में एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर लिया पूरा। पर फिर भी सैंड बाथ मेथड की तरह यहाँ पे भी मेन प्रॉब्लम यही है कि नो कंट्रोल ओवर टेम्परेचर, इसमें भी टेम्परेचर कोई कंट्रोल नहीं होता, तो इसलिए इसको भी कुछ ज़्यादा प्रेफर्ड नहीं किया जाता।